आईपीएल 2022 के लिए मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को होने जा रही है बेंगलुरु में। इसके लिए चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कुछ दिनों पहले चेन्नई पहुंच चुके हैं और अपनी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। अब चेन्नई सुपर किंग की क्या स्ट्रेटेजी होगी और सुनने में आ रहा है कि धोनी ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। जी हाँ, धोनी खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्लेयर को लेना है और किस प्लेयर को छोड़ना है। बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग के चार खिलाड़ियों की जो फिलहाल स्क्वाड का हिस्सा है। तो सबसे पहले धोनी है, उनके अलावा रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ और मोइन अली, ये चार खिलाड़ी हैं जो चेन्नई सुपर किंग के पास पहले से ही हैं। 20 से 22 खिलाड़ियों को अभी टीम को अपनी टीम में शामिल करना है, यानी कि अभी चेन्नई के पास कम से कम 16 और 17 स्पॉट्स खाली हैं। तो कौन से वो खिलाड़ी होंगे और किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जा सकता है, इस पर हम नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, चेन्नई सुपर किंग इस आईपीएल ऑक्शन में कुल 25 खिलाड़ी अपने स्क्वाड में रख सकती है। चार खिलाड़ी उनके पास पहले से हैं, 21 खिलाड़ियों को ऑक्शन में खरीद सकती है और 7 विदेशी खिलाड़ियों को खरीद सकती है। उनके पास पहले से एक विदेशी खिलाड़ी है मोइन अली के रूप में। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग की स्ट्रेटेजी यही है कि जो जिन खिलाड़ियों के दम पर 2021 का आईपीएल चेन्नई सुपर किंग ने जीता था, उन्हीं खिलाड़ियों को टीम में वापस शामिल किया जाए। सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है फाफ डू प्लेसिस का, उसके बाद शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और ड्वेन ब्रावो और सुरेश रैना जैसे बड़े नाम हैं जिनको चेन्नई सुपर किंग रिटेन कर सकती है। रविचंद्रन अश्विन और अंबाती रायडू पर भी चेन्नई सुपर किंग की नजरें रहेंगी। तो ऑक्शन 2022 में जाने से पहले चेन्नई सुपर किंग के पर्स में फिलहाल 48 करोड़ रुपए हैं और उनको 21 खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में शामिल करना है। अगर आप चेन्नई सुपर किंग के स्क्वाड को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं और हम भी आपके साथ स्क्वाड को प्रेडिक्ट करेंगे, किन बल्लेबाजों के लिए चेन्नई सुपर किंग जा सकती है, किन गेंदबाजों को शामिल कर सकती है, कौन से विदेशी खिलाड़ी होंगे जो चेन्नई सुपर किंग की टीम का हिस्सा बन सकते हैं, इन सभी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में टारगेटेड प्लेयर को लेकर आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।